एवरीवन, दिस इज दिव्या। वेलकम टू माय चैनल बैंकिंग गोल्स। हम लोग आज ग्रामर सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं। हमारे टॉपिक का नाम है वॉइसेस और हमने उसमें एक्टिव पैसिव वॉइस देख रहे हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन एंड नाउ विल बी सीइंग रूल्स वन बाय वन कि हर एक टेंस में कौन से रूल्स यूज किए जाते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन के लिए अभी कि रूल्स फॉर चेंजिंग वर्ब इन केस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन से रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ये हम देखेंगे। तो ये आपके लिए ग्रामर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, एरर डिटेक्शन। उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको रूल्स बेसिक पता होने चाहिए, तभी आप एरर पहचान पाएंगे और साथ ही साथ में एरर करेक्ट कर पाएंगे। बिकॉज इन द रिसेंट ट्रेंड इन द एग्जामिनेशन वी हैव सीन दैट कि रूल्स एरर्स ढूंढना नहीं पड़ता है, एरर को करेक्ट भी करना पड़ता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। व्हाट आर द रूल्स फॉर चेंजिंग द वर्ब? जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वर्ब्स को चेंज करने के लिए आपको कौन से रूल्स का एप्लीकेशन करना पड़ेगा। वर्ब इन एक्टिव वॉइसेस वी वन एंड वर्ब इन पैसिव वॉइसेस इफ ओके इफ द वर्ब इन एक्टिव वॉइस इज वी वन दैट इज इट इज इन द फर्स्ट फॉर्म दैट इज यू नो दैट इन केस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस द फॉर्म ऑफ वर्ब विच इज यूज्ड इज वी वन। वी वन मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल वी वन मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल ईट स्लीप ये सारे वर्ब है, मतलब एक्शंस है। तो इसका फर्स्ट फॉर्म, तो ईट का फर्स्ट फॉर्म, स्लीप का फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म क्या हो सकता है इसका? ईट का क्या होगा? एट। स्लीप का होगा स्लेप्ट। वैसे ही थर्ड फॉर्म क्या होगा? ईटन, इसका स्लेप्ट अगेन। ठीक है, तो जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वो हमें यूज करना है। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में दिया है तो पैसिव वॉइस में वर्ब क्या होगा? इज एम आर, इज और एम और आर प्लस वी थ्री। वी थ्री मतलब ईटन। फॉर एग्जाम्पल अगर वी वन है हमारा ईट, वी वन हमारा ईट है, तो सो कैसे करेंगे? इज एम आर वी थ्री मतलब ईटन कर देंगे और उसके आगे में हम लोग इज एम आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट लगाएंगे। तो ये हम लोग एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। सारे टाइप के एग्जाम्पल, सारे टाइप के जो सेंटेंसेस है उसको हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। फॉर एग्जाम्पल आई ईट ऑरेंज, ये एक सिंपल अफर्मेटिव स्टेटमेंट है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव स्टेटमेंट। ठीक है, ही सेल्स वॉच। ठीक है, इसमें क्या है? आई ईट ऑरेंज एंड ही सेल्स वॉच। अभी इसमें अफर्मेटिव है पर नाउन दिया गया है। हमने पिछले इसमें देखा था कि एक कोई भी स्टेटमेंट में दो चीजें देखी थी। कोई भी स्टेटमेंट में पहला पार्ट होता है सब्जेक्ट, दूसरा पार्ट होता है वर्ब और तीसरा पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट सब्जेक्ट होता है, उसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो नाउन और दूसरा प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्ट मतलब होता है जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, वर्ब मतलब एक्शन एंड ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर एक्शन परफॉर्म की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आई मतलब हो गया हमारा सब्जेक्ट, आई मतलब हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो आई किस में आएगा? प्रोनाउन में आएगा, क्योंकि नाउन मतलब जब भी कोई भी पर्सन का नाम दिया जाता है, राम, श्याम, रीटा, रीना, तो वो नाउन में आ जाएगा। प्रोनाउन मतलब आय आ जाएगा। ठीक है, प्रोनाउन आ गया, सब्जेक्ट आय आ गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट इज ईट मतलब वर्ब, ये एक एक्शन है। ठीक है, एक्शन है। एंड थर्ड पार्ट इज ऑरेंज, आई ईट ऑरेंज। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑरेंज। ऑब्जेक्ट मतलब थिंग, इट कैन बी एनीथिंग। ओके, तो अफर्मेटिव स्टेटमेंट है नॉर्मल, आई ईट ऑरेंज। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहला रूल क्या था? जो सब्जेक्ट है उसके प्लेस में ऑब्जेक्ट आएगा और जो ऑब्जेक्ट है उसके प्लेस में सब्जेक्ट आएगा। तो कैसे आएगा? आई के प्लेस पे ऑरेंज आएगा। ठीक है, ओके, फिर उसके बाद क्या है हमारा? वर्ब। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया,
ये एक्टिव वॉइस में होगी और जो पैसिव वॉइस में करेंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस में. ये हमने पहले पार्ट के वीडियो में देखा था रूल्स में. तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा और वर्ब की जगह क्या आएगा. ये जो रूल्स जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये जो रूल्स है वो आ जाएंगे. तो रूल क्या बोलता है, वर्ब इन पैसिव वॉइस किस रहेगा, इज एम और आर प्लस वी थ्री. तो इज एम आर हम लोग लगाएंगे, आई है तो क्या आएगा, इज ऑरेंज, इज आई है तो इज आएगा. ये एकदम बेसिक से हम लोग देख रहे हैं ताकि हमारी हमें हमेशा याद रहे और हमारी कंसेप्ट क्लियर रहे. तो ऑरेंज ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट के प्लेस पे ऑब्जेक्ट आ गया, इज एम आर इज या फिर एम या फिर आर प्लस वी थ्री इज ले लिया हमने क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑरेंज है ठीक है, ऑब्जेक्ट है ऑरेंज. और वी थ्री फॉर्म है, वी थ्री फॉर्म किसका, ईट का. वी थ्री का ईट का वी थ्री फॉर्म क्या है, ईटन ठीक है. ये वी थ्री फॉर्म हो गया प्लस ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे आपका सब्जेक्ट आ जाएगा. अभी इस पैटर्न के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, ऑरेंज, इज ईटिंग, इज ईटिंग. पर हमारा सेकंड रूल क्या बोल रहा था कि जो भी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब कि सब्जेक्ट या फिर नाउन, सब्जेक्ट मतलब नाउन या प्रोनाउन, उसके पहले हमें क्या यूज करना है, बाय यूज करना है ठीक है. तो पैसिव वॉइस आप उसी से पहचान सकते हैं कि बाय मेंशन्ड है, वी थ्री फॉर्म है तो वो आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा. तो इज ईटन बाय और फिर सब्जेक्ट है आखिर में, तो आई का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, मी ठीक है. पैसिव वॉइस में आई का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी. तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है. तो सारे रूल्स एक साथ आपको दिमाग में लेके आपको सॉल्व करना है. नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ही क्या है, हमारा सब्जेक्ट है. सेल्स क्या है, हमारा वर्ब दैट इज एक्शन. वॉचेस क्या है, ऑब्जेक्ट ठीक है. अभी हमारा रूल क्या बोलता है, सबसे पहली चीज तो सब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, वॉचेस ठीक है. उसके बाद इज एम आर प्लस वी थ्री बाय और फिर सब्जेक्ट ठीक है, वॉचेस. उसके बाद इज एम आर, वॉचेस इज अ थिंग, तो वॉचेस को क्या आएगा, वॉचेस इज, वॉचेस इज. फिर वी थ्री फॉर्म, वी थ्री फॉर्म क्या है, सेल का. वी थ्री फॉर्म मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म. अभी सेल का थर्ड फॉर्म क्या है, सोल्ड ठीक है. उसके बाद क्या है, बाय. और ऑब्जेक्ट की जगह पैसिव वॉइस में करते हुए सब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ जाएगा. वॉचेस इज सोल्ड बाय, ही का आ जाएगा हिम, ही का आ जाएगा हिम. आई गिव यू दिस लिस्ट जिसपे आई को क्या कन्वर्ट करते हैं, ही को क्या कन्वर्ट करते हैं. तो आई गिव यू दैट लिस्ट इन द नेक्स्ट वीडियो. आई को हम लोग लिखते हैं पैसिव वॉइस में मी, अगर एक्टिव वॉइस में आई है तो पैसिव वॉइस में मी आ जाएगा, एक्टिव वॉइस में ही है तो पैसिव वॉइस में हिम आ जाएगा ठीक है. सेकेंड थर्ड इज यू डू नॉट टेल अ लाई, यू डू नॉट टेल अ लाई. तो इसमें यू क्या है, यू सब्जेक्ट है, डू नॉट ये ऑक्सिलरी वर्ब है, टेल इज द एक्चुअल वर्ब, अ लाई इज अ ऑब्जेक्ट. तो अ लाई ये सबसे पहले आ जाएगा हमारा क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले आएगा. अ लाई इज एम आर में से क्या आएगा, इज टेल का थर्ड फॉर्म, वी थ्री का थर्ड फॉर्म टोल्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड. अ लाई इज सॉरी उसके पहले अ लाई इज डू नॉट का क्या आ जाएगा, इज नॉट टोल्ड. फिर बाय यू, यू का पैसिव वॉइस में यू ही रहेगा. तो अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय यू, अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय, डू नॉट का क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा सिर्फ. अ लाई इज नॉट टोल्ड बाय यू, तो इसका प्लेस वैसे ही रहेगा, सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का वर्ब इंटरचेंज होगा. फोर्थ इज डू दे बाय न्यू क्लोथ्स, तो डू दे बाय न्यू क्लोथ्स में क्या आ जाएगा, न्यू क्लोथ्स ठीक है. ऑब्जेक्ट पहले लेंगे, सॉरी क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन मार्क है तो कैसे लिखेंगे,
आर न्यू क्लोथ्स, ठीक है, क्वेश्चन है तो डू दे इसका क्या आ जाएगा, आर न्यू क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स क्या है ऑब्जेक्ट, बाय का थर्ड फॉर्म क्या है वॉट, उसके बाद बाय, डू दे, बाय दे का क्या आ जाएगा पैसिव वॉइस में देम, आर न्यू क्लोथ्स वॉट बाय देम, क्वेश्चन मार्क वैसे ही रहेगा, आर न्यू क्लोथ्स वॉट बाय देम, आर न्यू क्लोथ्स वॉट बाय देम, हु टीचर्स यू इंग्लिश, अभी फिफ्थ है, हु टीचर्स यू इंग्लिश, बाय हुम, हु का क्या आ जाएगा बाय हुम, ये आपको ध्यान में रखना है, डू का क्या आ रहा है आर, आई का क्या आया मी, ही का क्या आया हिम, यू का क्या है यू, डू का क्या है आर, हु बाय हुम, बाय हुम इज, बाय हुम इंग्लिश ऑब्जेक्ट आ गया इज टॉट टू यू, बाय हुम इंग्लिश इज टॉट टू यू, बाय हुम इंग्लिश इज टॉट टू यू, तो हु का क्या आएगा पैसिव वॉइस में बी, बाय हुम इंग्लिश ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इज हमारा रूल के हिसाब से है, टॉट हमारा बी थ्री फॉर्म है, और बाय जो है वो पहले चले जाएगा, हु का क्या आएगा हुम आएगा, पर जो बाय है वो पहले चले जाएगा और यू वैसे ही रहेगा, तो ये सारे जो है इम्पोर्टेंट रूल्स है, तो हर हम लोगों ने हर टाइप का सेंटेंस इसलिए लिया क्योंकि हर सेंटेंस में रूल बदल रहा है थोड़ा सा, बेसिक वही है सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और चेंज करते वक्त ऑब्जेक्ट इज एम आर वी थ्री बाय सब्जेक्ट, तो बेसिक यही है, पर जो वर्ड्स का कन्वर्जन है वो हमको ध्यान में रखने की बहुत जरूरत है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, आपको हर एक टाइप का सेंटेंस समझने की जरूरत है ताकि आपको जब भी कोई भी टाइप का क्वेश्चन आएगा आप सॉल्व कर पाए, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, मेरे वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, और अगर आपको इससे रिलेटेड बाकी वीडियोस देखने हैं तो आप बैंकिंग कोच यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, साथ ही साथ में अगर आपको बैंकिंग का एक कंप्लीट कोर्स देखना है तो बैंकिंग कोच यूट्यूब चैनल पे बैंकिंग कोच 2020 नाम की प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वो जाके देखेंगे तो आपको वहां पे सारे वीडियोस एक ही जगह पे मिल जाएंगे, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।